आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा, किस चीज की हमें आवश्यकता है, कैसे हम इसे बनाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप एकदम आप बहुत ही सही वीडियो पर है। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और आपके हर एक प्रॉब्लम का इसमें सलूशन है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्या क्या जरूरत है और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को एक अच्छा सा वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है, मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। आपका डिजिटल स्रोत में स्वागत है। आज मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए किस तरह से हम प्लानिंग करें ताकि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरह से बनाकर उसे लॉन्च कर सकते हैं, तो यह मैं शुरू से आपको बताऊंगी। इसमें 9 स्टेप हैं। 9 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप आता है वह आता है चूज ए प्लेटफॉर्म। आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। दूसरे नंबर पे आता है डोमेन सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमारा डोमेन किस नाम से होगा। अगर हम वेब ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हमारा डोमेन भी होना चाहिए। 3 नंबर पे आता है होस्टिंग का सर्विस, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा होस्टिंग हम लेंगे जिसका सर्विस अच्छा है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी समय में तो हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का तुरंत सलूशन ले सकते हैं। 4 नंबर पे आता है डिजाइन योर वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट का डिजाइनिंग कैसे करेंगे, वह एक आप अपना माइंड एक बुक पे एक पेपर पे आप उसे फ्रेम कीजिए। आप उसे लिखिए कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज का जरूरत है, उसका डिजाइन आप कैसे करने वाले हैं, उसमें हेडिंग में क्या होगा, उसमें टॉपिक क्या होगा, उसमें लिखेंगे हम क्या, कस्टमाइज थीम क्या होगा, उसमें थीम कौन सा लगाएंगे, उसमें फॉन्ट कौन सा डालेंगे, उसमें कलर कौन सा डालेंगे, यह सब आप डिसाइड कीजिए, यह सब उसे लिखिए। 5 नंबर पे आता है कि प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम वहां पे हम डालेंगे। ई कॉमर्स का जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा मेन होता है कि हम उस पे सेल करें, तो सेल हम कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, उसके लिए आप रिसर्च करके आप एक प्रोडक्ट का एक लिस्ट बना लीजिए और उसे भी लिख लीजिए। उसे लिखने के बाद आप क्या कीजिए, 6 नंबर पे पेमेंट गेटवे आता है। हमें अब आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पेमेंट भी लेना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमें पेमेंट गेटवे होना जरूरी है, तो यह 6 नंबर पे हमें उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अब 7 नंबर पे जो आता है हमारा वेबसाइट बनाना शुरू करना पड़ेगा। वेबसाइट को हम बनाना शुरू करेंगे, डोमेन खरीद लिए, होस्टिंग ले ली, डोमेन का नाम सोच लिए, होस्टिंग ले लिए, उसके बाद से हम अपना वेबसाइट का प्लानिंग कर लिए, प्रोडक्ट का प्लानिंग कर लिए, थीम सब कुछ हमारा प्लान हो चुका है। अब हम वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे और वेबसाइट को बनाने के बाद हम उसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमें चेंज करने हैं और क्या रखने हैं। जब तक हम वेबसाइट बनाएंगे तब तक हम इसे प्राइवेट रखेंगे, इसे पब्लिक नहीं करेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 8 नंबर पे आता है कि जब हमारा वेबसाइट तैयार हो जाएगा तब हम इसे लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने का मतलब होता है कि हम इसे पब्लिकली लेकर आ जाएंगे, इसे पब्लिक में कर देंगे या इसे का सेटिंग चेंज करेंगे और इसे पब्लिक में कर देंगे। अब 9 नंबर पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, अब हम प्रोडक्ट रख लिए, वेबसाइट बना लिए, गेटवे लगा लिए, हर चीज हमारा तैयार हो गया है, लेकिन हम इससे सामान कैसे बेचें, हम कहाँ पे इसका सामान बेच सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसका लिंक शेयर करना पड़ेगा। लिंक हम कहाँ शेयर कर सकते हैं, तो लिंक हम अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं, हम ऐड करके कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, लोग इसके बारे में जाने और हमारे वेबसाइट पे आकर लोग इसे परचेज करें और हमारा इनकम ऑफ सोर्स बने।
तो आज आप यह 9 स्टेप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो जरूरी स्टेप है वह आप जानें कि हम किस तरह से अपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यह बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। कि इसके बारे में प्लानिंग अगर आप करके कीजिएगा तो यह बहुत ही आसान है। अगर आप ऐसे ही शुरू कर दीजिएगा ई कॉमर्स, हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो हम चलो बना लेते हैं, इससे हमें पैसे आएंगे, तो उस तरह से आपको पैसे नहीं आएंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपको प्लानिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप इन 9 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा ताकि आपका प्रोडक्ट बिक सके और आपका इनकम ऑफ सोर्स आ सके। तो आज आप जान चुके हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें क्या जरूरी है। इस तरह के छोटी बड़ी जानकारी वेबसाइट से जुड़ी हुई मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो और आप इसे देख सके ताकि आप और भी नॉलेज ले सके। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका फायदा उठा सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।